नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो फ्रेंड, AI के आने से बहुत सारा जॉब जो है जाने वाला है, जैसे सॉफ्टवेयर का फील्ड हो गया, ग्राफिक डिजाइनर का फील्ड हो गया, ग्राफिक एडिटिंग का फील्ड हो गया, ये सारे जॉब जो है, बहुत सारे और भी जॉब जो है लेफ्ट होने वाले हैं 2-3 साल के अंदर में। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड, वो ये बात करने वाले हैं कि AI के कारण कौन कौन से जॉब जो है क्रिएट होने वाले हैं, जिसमें आप करियर बना सकते हैं। एक एक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड। तो पहला हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जॉब, वो है AI इंजीनियर का। फ्रेंड, AI इंजीनियर का जॉब जो है डेवलप होने वाला है। फ्रेंड, AI इंजीनियर क्या होते हैं? जो एप्लीकेशन रेडी करना, मतलब AI एप्लीकेशन रेडी करना, मतलब कहने का मतलब यह, एक ऐसे चीज बनाना, एप्लीकेशन बना कि विदाउट किसी ह्यूमन का, किसी आदमी का वो रन कर सके, काम कर सके, ये AI इंजीनियर का काम होता है। ये पहला रहा। इसके बारे में और भी रिसर्च करना होगा तो आप जाके ब्लॉग व्लॉग पढ़ सकते हो। दूसरा जो जॉब क्रिएट होगा और हो रहा है AI के आने से, वो है मशीन लर्निंग का जॉब। फ्रेंड, मशीन लर्निंग इंजीनियर का, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या होते हैं फ्रेंड? एक तरह का प्रोग्रामर होते हैं, ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, कोड रेडी करते हैं, जो विदाउट किसी भी परिस्थिति में वो खुद से मशीन जो है लर्न कर सके, खुद से डिसीजन ले सके, मतलब खुद लर्न करेगा अपना मशीन और खुद वो लर्न करके डिसीजन लेगा, किसी भी बुरी परिस्थिति में वो खुद से सोच सकता है, इसी के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर कहा जाता है। फ्रेंड, मतलब मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है, जैसे रोबोट जो होते हैं देखते हैं, खुद से वो डिसीजन कब लेते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा जॉब होगा जो मशीन लर्निंग इंजीनियर का होगा। तीसरा जो जॉब होगा फ्रेंड, वो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट। मतलब आप जो देखते हो बहुत सारे टूल जो आए हैं AI का, उसमें देखोगे आपका, जब आप वॉइस आप दोगे तो खुद लर्न करेंगे और रिजल्ट देते हैं। फिर मतलब वॉइस का स्पेशलिस्ट, उसमें भी एक कोडिंग होता है, सारा चीज होता है जिससे वो काम करता है। तो वॉइस मतलब नेचुरल, जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। ये दूसरे प्रकार का रहा। अब डाटा साइंटिस्ट, AI डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। चौथा जो जॉब इसके थ्रू क्रिएट हो रहा है वो होगा, वो AI डाटा साइंटिस्ट का जॉब। ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है और इसमें भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा पेमेंट है। ये चार प्रकार का। रोबोटिक इंजीनियर आप बन सकते हो फ्रेंड, AI कि सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है, AI जो वर्क कर रहा है, AI का उपयोग रोबोट को डिजाइन करने में, मतलब उसका प्रोसेसिंग, उससे काम लेने में हो रहा है, तो आप रोबोटिक इंजीनियर भी बन सकते हो। और भी एक आध दो चीजें हैं, जैसे में कुछ लैंग्वेज, जैसे में कुछ लैंग्वेज फ्रेंड आपको आना चाहिए, जैसे इस फील्ड में जा रहे हो तो जावा प्लस प्लस, पाइथन, पाइथन मेन है तो जावा प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये सारे चीजें लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसी तरह के और एक AI रिसर्चर बन सकते हो, इसमें एक और फील्ड है AI रिसर्चर का, वो भी आप बन सकते हो। मतलब 5-6 जॉब क्रिएट हो रहा है फ्रेंड, और बड़ा बड़ा जॉब। आप प्रमोट प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो फ्रेंड, एक इस पे स्पेशल मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पर है, आपने नहीं देखा तो उस पर जाके देख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी आप बन सकते हो, मतलब ये 5 से 6 बहुत ही डायनामिक जॉब क्रिएट हो रहा है और होगा AI के आने से। तो AI एक बिग फील्ड हो गया है। एक और, जैसे लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो सॉफ्टवेयर का फील्ड हो गया, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का फील्ड हो गया, ये सारी चीजें में बात करते थे। लेकिन अब आप एक चीज और भी बात कर सकते हो कि आप AI फील्ड में मेरे को जाना, एक नया फील्ड भी जनरेट हो रहा है AI के आने से, और इसमें बिग अमाउंट आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। अभी देखे तो कौन कौन सा, IISc बंगलोर, IIM और IIT, NIT, ये सारे जो है AI का अलग ही एक कोर्स जनरेट कर रहे हैं, आप वहां से जाके इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही ये दुनिया चेंज हो रहा है, लेकिन जॉब भी क्रिएट होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आप AI की फील्ड में जाना चाहते हैं तो अभी से ही इस पे रिसर्च करना शुरू करें और इसमें अपना करियर को बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मेरे चैनल पे जॉब से रिलेटेड, करियर अपॉर्चुनिटी, स्किल से रिलेटेड ही बात होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल